आज मैनचेस्टर में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्रिकेट कहने को तो भले ये खेल हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के लिए ये उससे कहीं बढ़कर हो जाता है। वहीं दोनों की आपसी टक्कर का तो रोमांच ही अलग होता है। उसी वजह से मैच से चंद घंटों पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीम को खास टिप्स दिए हैं। जीत का मंत्र देते हुए इमरान खान ने लिखा है कि मैच में मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा होगा और पाक टीम को हार का डर निकालकर उस पर काबू पाना होगा। आगे टीम में जोश भरते हुए इमरान खान ने उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गुड लक कहा है। इमरान खान ने टीम के लिए कुल 5 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में इमरान ने अपने दौर को याद करते हुए लिखा, जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था तब 70% हुनर और 30% मानसिक स्थिति से सफलता मिलती थी। जब मैंने क्रिकेट छोड़ा तो स्थिति 50-50 की हो चुकी थी, लेकिन अब मैं अपने दोस्त गवास्कर की बात मानता हूँ कि सफलता के लिए 60% मानसिक स्थिरता और 40% हुनर की ज़रूरत होती है। आगे इमरान खान ने लिखा कि भारत पाक के मैच में दिमाग का रोल 60% से भी ज़्यादा रहेगा। इमरान की माने तो आज के मैच में दोनों टीमों पर बहुत दबाव होगा और जो उससे पार कर लेगा उसे सफलता मिलेगी। इमरान ने सरफराज की तारीफ करते हुए उन्हें बोल्ड कप्तान बताया, जिसे पाना पाकिस्तान की खुशनसीबी है। इमरान ने आगे कहा कि पाकिस्तान टीम को हारने का डर मन से निकाल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह डर रणनीति पर असर डालता है, जिससे कि गलतियां होंगी और विपक्षी भारी होगा। आगे सरफराज को इमरान ने नसीहत दी कि अगर पिच पर नमी ना हो तो उन्हें पहले बैटिंग चुननी चाहिए। इमरान ने सरफराज को सलाह दी है कि वो मैच में स्पेशलिस्ट गेंदबाजों और बल्लेबाजों को लेकर उतरें। उन्होंने आगे लिखा कि रेलो कट्टा यानी कि हर चीज़ कर लेने वाले प्रेशर वाले गेम में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अपने आखिरी ट्वीट में इमरान ने लिखा, भारतीय टीम भले ही सबकी फेवरेट हो, लेकिन पाकिस्तान टीम को हारने का डर निकाल देना चाहिए। आप अपना बेस्ट दीजिए और आखिरी गेंद तक लड़ें, फिर नतीजा चाहे जो भी हो उसे सच्ची खेल भावना से स्वीकार करें। इमरान ने आगे ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।